नमस्कार, मैं हूँ संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ शनिवार को जिले में शिवरात्रि के पर्व की धूम रहेगी। इसके लिए प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली है। जिले के सभी शिव मंदिरों पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए गए हैं। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने शुक्रवार को पर्व के मद्देनजर की गई तैयारी के बारे में बताया कि शिवरात्रि के मौके पर जिले में कुल 120 स्थानों को संवेदनशील घोषित किया गया है। इस मौके पर पूरे जनपद में 21 स्थानों से निकलने वाले शिव बारात तथा 108 स्थानों पर लगने वाले मेले को देखते हुए पुलिस द्वारा सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 244 शिव मंदिर चिन्हित किए गए हैं, जिसमें 85 बड़े शिवालय पर जुड़ने वाली भीड़ को देखते हुए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिले के सभी शिव मंदिरों के आसपास सुरक्षा की दृष्टि से 2000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही चिन्हित किए गए स्थानों पर सादे वेश में पुलिस कर्मी लगाए जाएंगे। एक कंपनी PSC के जवानों को भी लगाया जाएगा। शिव मंदिर के मुख्य मार्गों पर मोबाइल दस्तों और एंटी रोमियो सेल को भी लगाया जाएगा, कारण कि इस मौके पर शिव मंदिर पर जुटने वाली भीड़ में महिलाओं की संख्या सर्वाधिक रहती है। संवेदनशील क्षेत्रों में चौकसी के लिए ड्रोन कैमरों की मदद ली जाएगी। जैसा कि आप अवगत है, कल महाशिवरात्रि पर्व का आयोजन है। इसमें पूरे जनपद में हमने संवेदनशील स्थलों को चिन्हित किया है, जिसमें लगभग 120 स्थल ऐसे हैं जो संवेदनशीलता के आधार पर चिन्हित किए गए हैं। टोटल 21 जुलूस पूरे जनपद में निकाले जाएंगे अलग अलग थाना क्षेत्रों में। 108 स्थान ऐसे हैं जो ज्यादातर मंदिरों के आसपास है, जहाँ पे मेले लगते हैं, भीड़ भाड़ इकट्ठा होती है। 244 शिव मंदिर है, जिसमें से 85 शिव मंदिर जो प्रमुख शिव मंदिर है, जहाँ पे भीड़ ज्यादा होती है, इनको चिन्हित करके इन पे स्पेशल डिप्लॉयमेंट किया गया है। इसमें यूनिफॉर्म में वर्दी में पुलिस बल, उसके साथ साथ सादे कपड़ों में पुलिस बल, एंटी रोमियो की टीम की तैनाती की गई है, क्योंकि महिलाएं ज्यादा संख्या में आती है, उनके साथ किसी प्रकार की कोई प्रतिकूल घटना ना हो, इसके एहतियातन ये डिप्लॉयमेंट किया गया है। इसके साथ साथ जितने भी शिव मंदिर है, सब पे पुलिस की मौजूदगी रहेगी। टोटल डिप्लॉयमेंट सभी जगह पे किया गया है। इसमें हमारे लगभग एक कंपनी PSC अभी हमारे पास है, जिसको डिप्लॉय किया गया है। ड्रोन के माध्यम से भी हम जो भीड़ भाड़ वाले स्थल है उनकी मॉनिटरिंग करेंगे कि किस समय पे हमें किस मंदिर पे या किस स्थल पे ज्यादा फोर्स की आवश्यकता है। टोटल लगभग जनपद की 2000 की नफरी की पुलिस फोर्स इसमें डिप्लॉय की जाएगी। 112 नंबर की गाड़ियां, क्योंकि रात को 3 बजे से ही लोग दर्शन के लिए निकलते हैं, तो 112 नंबर की गाड़ियों को ऐसे रास्तों पर रखा गया है जहां से महिलाओं का आवागमन ज्यादा होगा मंदिरों के लिए, और जहां जो श्रद्धालु है वो ज्यादा संख्या में जाएंगे। इसके साथ साथ जो रूट है, मेन रोड है हमारे, उसमें भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। मोटरसाइकिल मोबाइल तैयार की गई है इसके लिए, जिसमें 2-2 सिपाहियों को, ताकि कहीं भी कोई इस तरह की बात ना आए, जो भीड़ भाड़ है वहाँ ट्रैफिक थोड़ा स्लो चले, ताकि कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो। पूर्ण तैयारियां कर ली गई है। आज सुबह मेरे द्वारा सभी के साथ समीक्षा भी की गई है, और रात को 2 बजे से, आज रात 2 बजे से पुलिस का डिप्लॉयमेंट शुरू हो जाएगा। इसमें सभी थाना प्रभारी, सभी CO, सभी जितने गजेटेड ऑफिसर्स है, सब लोग निकलेंगे और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से पर्व को भवनाथ मंदिर में क्या रूट आयोजन कैसा है? हाँ, भवनाथ मंदिर में क्योंकि रात के समय से ही काफी भीड़ हो जाती है और दिन में भी बहुत भीड़ रहती है, तो ट्रैफिक के लिए वहाँ अलग से बंदोबस्त किया गया है। स्पेशल वहाँ हमारे पास 6 सब इंस्पेक्टर स्पेशल ट्रैफिक के हैं, जिनको वहाँ डिप्लॉयमेंट के लिए लगाया गया है, और 60 पुलिस कर्मियों की एक अलग से पूरी टीम दी गई है वहां पर मॉनिटरिंग करने के लिए। CCTV कैमरा वहां के चेक करा दिए गए, ताकि जो जितनी भीड़ है उसको मॉनिटर किया जा सके। पूरा डिप्लॉयमेंट है सादे कपड़ों में भी, अंदर मंदिर के अंदर भी, और मंदिर के आसपास भी डिप्लॉयमेंट किया गया है, ताकि संदिग्धों पर भी नजर रखी जा सके। थैंक यू। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।